दोस्तों, हमारा टॉपिक आज बहुत ही हॉट है क्योंकि बेटियों के बारे में बातचीत हो रही है और बेटियां हमारे देश की शान है और हमारे परिवार की भी। तो आगे रुक करते हैं, और किसी के भी जहन में सवाल कोई पूछना चाहे? आप शायद कुछ बात करना चाह रहे थे। जैसा कि मैं यहाँ पे अकेला ही एक लड़का हूँ और बाकी सब लड़कियाँ हैं, और मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लड़कियाँ खुद से ही ये सवाल या फिर खुद से उलझी हुई हैं कि उनका में अगर कम लेवल है या फिर किसी चीज़ में उन्हें कम दर्जा दिया जा रहा है तो वो लोग खुद ही अब कन्फ्यूज़ हैं या फिर जानने की कोशिश करें कि ऐसा उनके साथ क्या है। मैं जितनी भी लड़कियाँ यहाँ पे उनसे ये सवाल करना चाहूँगा, इतने में से कितनी लड़कियाँ हैं जो आप लोग बाहर जाके क्रिकेट खेलती हैं? अगर हम लड़कियाँ बाहर जाके क्रिकेट नहीं खेल रही हैं या बास्केटबॉल नहीं खेल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी तो कुछ होना चाहिए ना। अगर इंटरेस्ट होगा क्रिकेट खेलने में तभी तो कोई बाहर जाएगी क्रिकेट खेलने को। जी, अगर इंटरेस्ट की बात है तो कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी में आ सकती है कि लड़की चार लड़कियों में से एक लड़कियां गईं, लेकिन यहाँ पे चार में से एक भी नहीं गई। दूसरी बात कि अगर जनरली भी देखें तो मैंने इतने बार मैं गया हूँ खेलने के लिए, जहाँ भी मैं इलाका है मैं वहाँ जाता हूँ खेलने के लिए, मैंने आज तक किसी भी लड़की को क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट की बात करें, आप ये भी जान लीजिए कि इससे ये एक सिम्बॉलिज्म है अपने आप को प्रूव करना है कि वो भी कैपेबल है। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ, इनका बस ये कहना है कि आप लड़कियां खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, खुद को आप मोटिवेट करें कि नहीं, जो हम हैं हम हैं। मैंने पहले भी कहा था कि यू आर द बेस्ट, तो यू आर एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये तो सोसाइटी पे डिपेंड करता है ना। अगर हम कहीं क्रिकेट खेलने जाते हैं, अगर 10 लड़के खेलते हैं सोसाइटी को आपको चेंज करना होगा। है कि ऐसा नहीं है, सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं। ऐसी कोई लड़कियां नहीं है जो नहीं चाहती आगे बढ़ने। अगर हम अकेले रात को निकले हम सोच रहे कुछ ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। आप 10 खड़े हो तो आप कॉमेंट्स करते हो, पर 10 लड़कियाँ खड़ी होती है तो हम एक लड़के कभी कॉमेंट्स नहीं करते। एक्चुअली हम हेल्प करने उसे जाते हैं। अगर कोई लड़की गिर जाए, अभी बारिश का मौसम है, अफकोर्स गिर जाएगी तो आप हंसोगे जोर से, बट ऐसा नहीं होता है। पांचों जो उंगलियां है ना वो बराबर नहीं होते। अगर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती कुछ लोग आपको जरूर हेल्प के लिए आते हैं। एक्चुअली आप 100 में से एक लोग आए तो आप उसको ये नहीं बोल सकते वो हेल्प करने आए हैं। चलिए, बस ये हमारे कार्यक्रम का जो ये बहुत मीठा सा ये अंग है कि ये लड़कियां अपनी बात रख रही हैं, जो हमारे मेल मेंबर हैं लड़के हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, और मुझे बहुत मजा आ रहा है रजनी इन लोगों को डिस्कशन देख कर करके, मुझे हम दोनों का याद आ रहा है। बिल्कुल, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बड़ी अच्छी चर्चा आप लोगों की भी हो रही थी भी आप लोगों की। एक मैंने कहीं सुना था कि अगर किसी ने कहा था कि अगर डॉल्फिन, जानते हो कि एक मछली होती है, कि अगर डॉल्फिन को बोलने की ताकत होती तो क्या होता। एक सवाल कहा गया था किसी, मैं कॉन्फ्रेंस में था, एक लाइट मोमेंट की बात हो रही थी कि अगर डॉल्फिन मछलियाँ बोल सकती तो क्या होता। तो यही कहा गया था जो दुनिया आज हम धरती के ऊपर देख रहे हैं पानी के नीचे बसा हुआ होता। क्या बात। तो यही आपने बात की कि हम, इन्होंने कहा कि लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेलती हैं, आप ये क्यों नहीं कहना चाहती हो कि लड़के गुड्डे गुड्डों का खेल क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? आप दोनों क्यों मानते हो? आपके लिए गुड्डों का खेल महत्वपूर्ण खेल है, इनके लिए बास्केटबॉल खेलना महत्वपूर्ण हो सकता है। सर, ये रुचि की बात है, अपनी रुचि की बात है। इसलिए आप किसी एक को ज़्यादा किसी एक को कम नहीं कर सकते। आपकी वो है ये ज़्यादा कम है, आपके लिए गुड्डों का खेल खेलना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, आप उसी को महान बनाइए, उसी को खेलिए। जो आपकी रुचि हो, संगीत रुचि हो, नृत्य की रुचि हो, पेंटिंग कुछ भी करो, नहीं करो। सर, आपने रुचि की बात की है तो मेरा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है रजनी, आपको पता है? हाँ, मुझे पता है, मगर मैं आज सर से पूछना चाहूंगी कि सर आपकी रुचि किस चीज में है? सच कहूँ तो एक लिखना और संगीत से मैं जुड़ा हूँ। संगीत से रुचि है ना? बिल्कुल, मैं मुझे सर आपका और मेरा जो है ना सर यहाँ पे कुछ कुछ